सो क्विक रेसिपी, वाइट बीन टोमेटो स्टू। सो मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है एंड एक टोमेटो चॉप किया हुआ है और दो स्प्रिंग अनियन चॉप किए हुए हैं। तो मैंने इसमें स्प्रिंग ऑनियन का वाइट पोर्शन डाला हुआ है, ग्रीन वाला मैंने एट द एंड सीजनिंग के लिए रखा है। सो ऑयल, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल किया है, अनियन एंड स्प्रिंग अनियन का मतलब रेगुलर प्याज और स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला पोर्शन, ये मैंने जस्ट अभी डाला हुआ है एंड आई एम जस्ट मिक्सिंग इट अप। इसको तो थोड़ा सा स्टर फ्राई करके देन आई गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अब थोड़ा सा स्टर फ्राई किया है मैंने, अब मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने 3 गार्लिक चॉप किए थे, आउट ऑफ 3 मैंने 2 गार्लिक चॉप किए हुए इसमें डाल दिए हैं। हाथ मेरा क्लीन है सो डोंट वरी। अब इसमें मैं डालूंगी 1 पिंच ऑफ सॉल्ट। स्टेप्स मैं फिर से रिपीट करती हूँ। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल किया है, उसके ऊपर एक प्याज और 2 स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला पोर्शन एंड 2 गार्लिक चॉप कर कर अच्छे से उसमें मिक्स किया एंड थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट उसमें डाला है मैंने अभी। सो इसको हम थोड़ी देर कुक करेंगे, 6 to 8 मिनट्स, जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता, या फिर गोल्डन ब्राउन नहीं भी हो तो चलेगा, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाना चाहिए, कच्चापन उसका चला जाए। फिर हम इसमें डालेंगे टोमेटो पेस्ट और उसको फिर कुक करेंगे। 6 मिनट्स हो गए थे, अब मैंने इसमें 1 big tablespoon मेजर करके टोमेटो पेस्ट डाला। ये जो थिक वाला टोमेटो पेस्ट आता है ये, इसमें बेटर है कि फ्रेश टोमेटो को ग्राइंड करके आप डाल सकते हो, बट आई प्रेफर टोमेटो पेस्ट, उससे थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क लगता है। सो इट्स अप टू यू। आप इसमें, मैं फ्रेश टोमेटो, एक टोमेटो मैंने चॉप करके रखा है वो तो मैं डालने वाली हूँ, बट ये टोमेटो पेस्ट अगर डालें तो उसमें मतलब टेस्ट थोड़ा कॉम्बिनेशन के टोमेटो पेस्ट और फ्रेश टोमेटो चॉप या ग्राइंड का होता है। चॉप इसलिए किया है कि टेक्सचर वो फिर टोमेटो का दिखता है ना, देखने में प्रेजेंटेशन वाइज अच्छा लगता है। अदरवाइज आपको अगर चंक्स नहीं पसंद है टोमेटो के तो यू कैन ऑल्सो ग्राइंड इट। सो ऑलवेज रिमेंबर, यूज़ द टोमेटो पेस्ट 1 tablespoon एंड 1 tomato, आइदर यू चॉप इट एंड पुट इट इन द पैन और यू कैन ऑल्सो ग्राइंड इट इफ़ यू डोंट लाइक द यू नो टोमेटो पीसेस मुँह में आता हुआ, अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप उसको ग्राइंड कर लो। सो नाउ आई जस्ट मिक्स इट अप ऑल विद, इसको 1 से 2 मिनट तक मैं काइंड ऑफ यू नो मिक्स करूँगी, भून लेती हूँ 1-2 मिनट तक। उसके बाद मैं इसमें डाइस किया हुआ जो एक टोमेटो मैंने डाइस किया था वो डाल दूँगी। टोमेटो मैंने डाल दिया है 1 chopped tomato और मैं अब डाल रही हूँ इसमें इटालियन सीजनिंग। तो ये 1 बड़ा चम्मच आप इटालियन सीजनिंग की डालेंगे और अब मैं डालूंगी इसमें स्टॉक। तो मैंने वेजिटेबल स्टॉक लिया है, आप कोई भी स्टॉक डाल सकते हो, वेज स्टॉक डाल लो, चिकन स्टॉक डाल लो, आपको जैसा फ्लेवर चाहिए वो स्टॉक डाल लेंगे। रिमेंबर इसमें पानी का यूज़ नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ पानी हम स्टॉक यूज़ करेंगे। सो आई विल जस्ट लेट इट सिट हियर फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स एंड देन उसमें मैं वेजिटेबल स्टॉक डालूंगी। ओके, मैं मेंशन करना भूल गई कि आप इफ़ पॉसिबल आप कॉन्सेंट्रेटेड वेजिटेबल स्टॉक डालें, जो लिक्विड वाला आता है वो ना डालें, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फिर स्टू नहीं बन पाएगा, सूप बन जाएगा। सो मैंने ये कॉन्सेंट्रेटेड वेजिटेबल स्टॉक लिया है, आप कॉन्सेंट्रेटेड वेजिटेबल स्टॉक या चिकन स्टॉक, आपको जो भी चाहिए दैट यू कैन यूज़। अब इसमें मैं बीन्स डालूंगी, ये मैं ये प्रीमियम क्वालिटी की ये वाइट बीन यूज़ कर रही हूँ। तो आप चाहें तो राजमा भिंगो कर यू नो ओवरनाइट सोक करके वो भी यूज़ कर सकते हैं, आप कैन वाला भी यूज़ कर सकते हैं, आई प्रेफर दिस, सोक करने का यू नो पंगा नहीं होता है, सो आई एम यूजिंग दिस। तो इसके अंदर प्रिजर्व करने के लिए इसकी लिक्विड भी होती है, तो मैं पूरा इसका लिक्विड पहले पोर करूँगी एंड आई विल यूज़ हाफ ऑफ द बीन्स। तो ये आप देखिए वाइट बीन है यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन आप इट्स योर चॉइस यू नो, गो हैड मेक विथ राजमा जो अपने होते हैं ना डार्क कलर वाले होते हैं इंडिया में बेसिकली, अब लेकिन US में ऐसे हमें काफ़ी कन्वीनियंट होता है, इफ़ यू लाइक डोंट हैव टाइम क्विक क्विक कुछ बनाना हो तो कैन में भी मिल जाता है और ऐसे पैकेट्स में भी प्रिजर्व किया हुआ यू नो बीन हो गया, छोले हो गए, सब कुछ मिल जाती है।
सो नाउ आई विल मिक्स इट अप एंड आई विल सीजन विद सॉल्ट एंड पेपर. थोड़ा सा ड्रिजल करूँगी मैं सॉल्ट और पेपर स्वाद अनुसार. ओके जस्ट टू ऐड, मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था तो मैं हल्का सा पानी डाला, लाइक हाफ अ कप ऑफ पानी. आप यूजुअली अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि मैंने कॉन्सेंट्रेटेड वो लिया है, क्या कहते हैं, वेजिटेबल स्टॉक लिया है, इसलिए मुझे थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ी. अदरवाइज अगर आप नॉर्मल स्टॉक यूज़ कर रहे हो तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दिस इज़ जस्ट लाइक हाफ अ कप ऑफ वाटर आई पोर. सो आई विल कुक इट फॉर, आई विल मेक इट बॉयल एंड कुक इट फॉर अराउंड 8 to 10 मिनट्स एंड देन इसको हम टेस्ट करके फिर इसमें देखेंगे. अगर स्वाद में नमक थोड़ा कम है तो फिर एड लिटिल बिट मोर नमक टू इट. ओके अभी मैंने इसमें थोड़ा सा कीमा, थोड़ा सा प्रोटीन उसमें देने के लिए कीमा थोड़ा सा शैलो फ्राई करके, मिंस्ड कीमा था एंड आई जस्ट एडेड. यू कैन ऐड पनीर, यू कैन ऐड चिकन, यू कैन ऐड एनी काइंड ऑफ प्रोटीन दैट यू वांट और यू कैन जस्ट लीव इट विदाउट एनी मीट. सो या जब तक स्टू प्रिपेयर हो रहा है, मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लेकर उसमें बटर और गार्लिक मिक्स करके लगा के थोड़ा सा मैं इसको टोस्ट कर ले रही हूँ. आप चाहे तो टोस्टर में कर ले, मेरे पास पैन रखा हुआ था कीमा वाला, तो मैंने उसी को पोंछ कर ब्रेड को सेक लिया. पता नहीं क्यों ऐसे पैन में या तवे में सेकने का ना टेस्ट अलग आता है. सो या इन 2 to 3 मैंने लो कर दिया था गैस, बट अभी मैंने मीडियम पे रखा है. इन 2 to 3 मिनट्स माई डिश विल बी रेडी, देन वी विल सर्व विथ सम चीज़. आप मोज़रेला डाल लो या फेटा डाल लो, जो डालना है, जो भी चीज़ आपको पसंद है वो डालकर ऊपर से विल सीजन विद द स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पोर्शन. सो ये मैंने प्लेटिंग कर दी है, इसमें मैंने स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला पोर्शन, में ग्रीन और वाइट मिक्स हो गया, सो इट्स ओके. सो ये मैंने स्प्रेड कर दिया स्प्रिंग अनियन. ब्यूटिफुल डिश है ना, ट्राई करिए और बताइए कैसा बना है. So all of you try at home and let me know. And अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, फेटा चीज़ स्प्रेड कर रही हूँ. कोई भी चीज़ कर लो या चीज़ ना ही करो अगर नहीं खाना चीज़. सो ये मैंने हस्बैंड के लिए प्लेटिंग की है, उसको फेटा चीज़ बहुत पसंद है रहने को, तो इसीलिए फेटा चीज़. एंड हियर इज़ द टोस्टेड गार्लिक ब्रेड. So yeah, that's the dish. That's my bean tomato stew with some garlic toast. Come all of you guys try at home and let me know. Bye.